क्वेश्चन ये है कि डस्ट पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी यू से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी भी से राइट की तरफ मूव कर रहा है, और कोलिजन के बाद डस्ट पार्टिकल्स प्लेट से चिपक जाते हैं। तो फाइंड करना है कि प्लेट की कांस्टेंट वेलोसिटी भी मेंटेन रखने के लिए अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी। ये गिवन है कि प्लेट का मास कैपिटल एम के इक्वल है, प्लेट का एरिया कैपिटल ए के इक्वल है और डस्ट पार्टिकल्स की यूनिफॉर्म डेंसिटी रो के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को रॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे और ये फाइंड करने का प्रयास करेंगे कि उसमें मिस्टेक कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले ये फाइंड करते हैं कि टी टाइम के बाद प्लेट का मास कितना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करने के बाद प्लेट से चिपक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेट के रिस्पेक्ट में डस्ट पार्टिकल्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वी प्लस यू की इक्वल है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि प्लेट के रिस्पेक्ट में टी इंटू वी प्लस यू लेंथ का जो डस्ट पार्टिकल है वो प्लेट से चिपक जाएगा। ठीक है, और इस लेंथ का मास हम फाइंड कर सकते हैं, तो इस लेंथ का वॉल्यूम हो जाएगा टी इंटू वी प्लस यू इंटू एरिया, और मास हो जाएगा इंटू रो। ठीक है, तो टी टाइम के बाद इतना मास का डस्ट पार्टिकल प्लेट से चिपक जाएगा। ठीक है, और प्लेट का मास हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, सो वी हैव मोमेंटम पी ऑफ द प्लेट इक्वल टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी दैट इज वी। ठीक है, प्लेट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है जो वी के इक्वल है। ठीक है, नाउ वी हैव फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, टी टाइम के बाद प्लेट से स्मॉल एम मास का डस्ट पार्टिकल चिपक जाएगा और समय प्लेट का जो मोमेंटम होगा वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी के इक्वल होगा। ठीक है, एंड वी हैव फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट एफ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी। तो यहाँ पर वी कॉन्स्टेंट है तो जाएगा वी इंटू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, इक्वल टू तो कैपिटल एम का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा वी इंटू जीरो प्लस डी एम बाई डी टी। ठीक है, और डी एम बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं तो हो जाएगा वी इंटू डी एम बाई डी टी विल बी वी प्लस यू इंटू ए रो। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी ए रो। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि इसमें मिस्टेक कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है उसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के रूप में अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। वी हैव एफ डी टी इक्वल टू डी पी एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो टी टाइम के बाद हम सिस्टम को कंसिडर करते हैं, तो टी टाइम के बाद स्मॉल एम मास का डस्ट पार्टिकल प्लेट से चिपक चुका होगा। ठीक है, प्लेट का मास कैपिटल एम के इक्वल है और इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी वी के इक्वल है,
जो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। अगेन दिस इज सिचुएशन एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, ठीक है। अगेन टी इक्वल टू टी प्लस डी टी सेकेंड पर डी एम मास का डस्ट पार्टिकल अगेन इसे चिपक जाएगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू टी प्लस डी टी पर सिचुएशन ऐसा होगा, ये प्लेट है, मास कैपिटल है, और जो डस्ट पार्टिकल्स है उसका मास एम प्लस डी एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगेन इसकी वेलोसिटी इस तरफ भी इक्वल होगी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो डी एम मास का डस्ट है उसको भी कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ये डी एम मास का जो डस्ट है उसकी वेलोसिटी इस तरफ यू की इक्वल थी, ठीक है। टी इक्वल टू टी सेकेंड पर सिचुएशन कुछ इस तरह से है, और टी इक्वल टू टी प्लस डी टी सेकेंड पर सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। और प्लेट पर कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में कैपिटल एम है, स्मॉल एम है और डी एम है, ठीक है। तो इस सिस्टम पर जो इम्पल्स है वो एफ डी टी के इक्वल है, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो इस समय सिस्टम पर जो फाइनल मोमेंटम है वो है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस डी एम इंटू वी, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी, ठीक है। और यहाँ पर डी एम का मोमेंटम माइनस यू डी एम होगा, माइनस यू डी एम, ठीक है। दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट एफ डी टी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम भी प्लस भी डी एम माइनस दिस इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू भी माइनस माइनस प्लस यू डी एम, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, दिस इम्प्लाई दैट एफ डी टी इक्वल टू, तो इसमें डी एम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा वी प्लस यू इंटू डी एम इक्वल टू वी प्लस यू इंटू डी एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। सो फ्रॉम दिस वी हैव डी एम इक्वल टू वी प्लस यू इंटू ए रो डी टी, ठीक है। तो डी एम की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सो दिस विल बी वी प्लस यू इंटू ए रो डी टी, ठीक है। सो अगेन डी टी डी टी कैंसिल एंड वी हैव एफ इक्वल टू वी प्लस यू होल स्क्वायर इंटू ए रो, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग ये है कि हमें इस स्मॉल मास डी एम को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो टर्म है वो मोमेंटम है, लेकिन ये जो टर्म है ये सिस्टम का मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। और जो सिस्टम है उसमें डी एम मास भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। मतलब है कि इसमें हमें स्मॉल
डीएम मास का जो मोमेंटम है उसको भी कंसिडर करना होगा। तो जो एक्चुअल इक्वेशन है वो जाएगा एफ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू भी प्लस डी बाई डी टी ऑफ स्मॉल मोमेंटम ऑफ डी एम मास। ठीक है, तो हमें स्मॉल डी एम मास का जो मोमेंटम है उसको भी कंसिडर करना होगा और उसके लिए भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट एफ इक्वल टू, तो यहाँ पर ये टर्म है वो ज़ीरो है। हम देख सकते हैं कि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दोनों की वेलोसिटी टी इक्वल टू टी सेकेंड पर भी के इक्वल है, और अगेन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दोनों की वेलोसिटी टी प्लस डी टी सेकेंड पर भी के इक्वल है। मतलब कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू भी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की जो वेलोसिटी है वो डी टी टाइम इंटरवल के लिए चेंज नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस, अब फाइंड करना है कि डी एम मास के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि टी इक्वल टू टी सेकेंड पर डी एम मास का मोमेंटम लेफ्ट की तरफ यू डी एम है, और टी इक्वल टू टी प्लस डी टी सेकेंड पर डी एम मास का मोमेंटम राइट की तरफ डी एम भी हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्मॉल डी एम एलिमेंट इक्वल टू यू प्लस भी इंटू डी एम। ठीक है, सो दिस इज यू प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट एफ इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी, एंड वी हैव डी एम बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस वी इंटू ए रो, तो ये हो जाएगा यू प्लस वी होल स्क्वायर इंटू ए रो। ठीक है, अगेन वी हैव द सेम आंसर। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि इस इक्वेशन में मिस्टेक कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।